पौरी नगर में सोमवार के दोपहर शोपुर रोड पर स्थित रौनक ढाबे के पीछे स्थित एक तलैया में नहाने के दौरान पैर फिसलने पर एक युवक तलैया में डूब गया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर मौजूद युवक के साथियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तलैया में से युवक को निकालने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर शिवपुरी से SDRF की टीम बुलाई गई, जिसके बाद अब SDRF की टीम तलैया में डूबे युवक के रेस्क्यू में जुट गई है। थाना प्रभारी पुहारी विनोद यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान के धौलपुर का रहने वाला एक नट नीरज शाह के अपने साथियों के साथ पुहारी आया था, जो अपने साथियों के साथ नगर में घूमकर राजस्थान के राजाओं की वंशावली सुनाकर पैसे मांगने का काम कर रहा था। सोमवार को नहाते समय तलैया में डूब गया और SDRF की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। के बाद पुलिस और SDRF की टीम भी आ गई है। क्या कुछ पूरा घटनाक्रम है? ये नीरज साह के नाम का एक लड़का है, करीब उम्र 35 साल के आसपास है, ये राजस्थान का रहने वाला है। यहाँ ये भाट है बंसावली दिखाने के लिए, बंसावली बताने के लिए यहाँ पोहरी आया हुआ था। अब ये पोहरी ढाबा के पास में ये तलैया है, वहाँ ये लोग खाना खाने लगे फैमिली सहित, और ये पानी में नहाने के लिए उतरा और उनके घर वाले बता रहे हैं उसका पैर फिसलने के बाद वो नदी में गिर गया है वो, और अभी तक बॉडी नदी के अंदर है। वो SDRF की टीम पुलिस मौके पर है, वही बॉडी निकाल रही है।